अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताने वाला हूँ कि हॉर्नेट बाइक का आप कैसे डिस्पैच चेंज कर सकते हैं। तो पहले आपको सिंपली इस रबर को निकालना होता है जो कि कैलिपर में होता है, तो उसे आप निकाल दीजिएगा। और उसके बाद में आपके पास 5 नंबर की एलंगी होनी चाहिए, जिससे ये जो बोल्ट है वो आपका एलंगी बोल्ट वो बाहर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है ये, आप घर पर भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा कभी कभी ये जाम होता है तो आपको तकलीफ़ हो सकती है, अदरवाइज़ आप इसे घर पे भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, आपको ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत नहीं है। आप एक एलंगी की मदद से भी इसे चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, हमने सिंपल ये देखिए पहला पैड इसे निकाल लिया, वो भी एलंगी की मदद से। इसे अब देखो, मैं दूसरा पैड भी आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, हमने दूसरा पैड भी इसे निकाल लिया है। बहुत ईजी है, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। देखिए थोड़ा गंदा है तो इसे मैं साफ़ कर लेता हूँ। तो मैंने इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब मैंने अच्छे से इसे साफ़ कर लिया है, तो ध्यान रखिए। देखिए, साफ़ करने के बाद में इसे थोड़ा पुश करना है, और ध्यान रखना है कि इतना लोड ना पड़े कि आपकी प्लेट बैंड हो जाए। तो उसे इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं बहुत ही प्यार से और जेंटली कर रहा हूँ, ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रहा हूँ मैं, ताकि बैंड ना हो प्लेट। तो इसका पिस्टन बहुत ही फ्री था, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया, वरना मैं इसे पूरा निकाल के मैं डिस्पैट बिठाता था। तो ये तो शॉर्टकट तरीका है इसे। वैसे तो आमतौर पर ऐसे ही पैड डाला जाता है, बट इन केस अगर ज़्यादा जाम होता है, पिस्टन वगैरह ज़्यादा जाम होते हैं, तो आपको देखिए ये रॉड की ज़रूरत पड़ती है। अगर मतलब ज़्यादा जाम होगा तो आपको निकाल के उसे अच्छे से प्रॉपरली एकदम क्लीन करना पड़ता है। मैंने ऐसे ही इसे पहले ही क्लीन कर लिया था, जो मैंने आपको वीडियो में नहीं बता पाया, क्योंकि मैं क्लीन कर रहा था। तो अभी मैं वीडियो कैसे निकाल सकता हूँ, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं निकाला। और ये जो है, ये मैं जो डिस्पैड के ऊपर ऑयल जमा हुआ था, जिसे मैं इसे साफ़ कर रहा हूँ, क्लीनर है तो उसकी मदद से साफ़ कर रहा हूँ। आप इसे पेट्रोल से भी धो सकते हैं, पेट्रोल से। बट पिस्टन को आप ना धोइएगा, क्योंकि पिस्टन को अगर आप धोएंगे पेट्रोल से, तो क्या होगा कि आपके जो पिस्टन के अंदर ओरिंग रहती है वो फूलने के चांसेस रहते हैं। तो हम इसे पोंछ लिए, मैंने इसे पोंछ लिया, बट वो मैं आपको दिखा नहीं पाया हूँ। तो अच्छे से इस प्लेट को पोंछ लेना है, और इसे अच्छे से पुश कर देना है। देखिए, एक पैड इधर पे आपने मैंने देखिए डाल दिया है। बहुत आसान है, आप कर सकते हैं घर पे। बस मेरे वीडियो को अच्छे से ध्यान से अगर आप गौर से देखेंगे, तो सिंपल स्टेप है। ज़्यादातर कैलिपर में ऐसे ही आपको बिठाना पड़ता है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। देखिए, आगे साइड में देख लेना है कि पैड का जो पोजीशन है वो बैठ चुका है कि नहीं। अगर पैड का पोजीशन बैठ चुका रहेगा तो इसे आप ऐसे जेंटली छोड़ दीजिए। ये ऊपर वाली जो इसकी पत्ती होती है ना, उसे लगाना ना भूलिएगा, नहीं तो फिर आपका पैड जो है वाइब्रेट करेगा, मतलब आवाज़ करेगा टक 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 टक। तो देखिए, ऊपर साइड में देखिए पट्टी है, तो उसे लगा के फिर आपको पैड बिठाना है। तो हमने सिंपली इसे डाल के ऐसे पुश करके, और लिंकी बोल्ट अभी हम टाइट कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद में हम थोड़ा पंपिंग कर लेंगे इसको, पैड को, डिस्क ब्रेक को थोड़ा पंपिंग कर लेंगे, जिसकी वजह से हमारे पैड जो है चिपक जाएंगे, हमारे जो प्लेट है उसके ऊपर चिपक जाएंगे। तो जो पिस्टन है वो फ्री होना चाहिए। आमतौर पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पिस्टन फ्री हो। मैंने 2 बार इसलिए पिस्टन को निकाल के आपको दिखाया कि पुश करके कि बहुत फ्री था इसका पिस्टन। तो पिस्टन फ्री करना ना भूलिएगा, अगर पिस्टन आपको जाम रहेगा तो एक प्रॉब्लम आएगी। तो इसके ऊपर का हमने कवर लगा दिया है। कवर लगाने के बाद में अभी हम इसे पंपिंग करेंगे। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे, देखिए पिस्टन बाहर आ रहा है। जब हम पिस्टन को दबा देते हैं, तो आमतौर पर होता है क्या कि हमारे जो पिस्टन में जो ये रहता है, ऑयल रहता है, वो हमारे जो ऑयल की जो डिब्बी रहती है उसके अंदर रिटर्न चला जाता है। देखिए, पिस्टन आप देख पा रहे हैं निकल गए हैं। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। हमारे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।